सीहोर जिले के थाना कोतवाली ने नए आपराधिक कानूनों के मद्देनजर जन जागरूकता कार्यक्रम का थाना परिसर में आयोजन किया। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं न्यायालय के केदार सिंह गौरव ने विस्तार से कानूनों के बारे में लोगों को बताया। गौरतलब है कि 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन कोतवाली परिसर में नवीन आपराधिक कानून की जानकारी नागरिकों को देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना कोतवाली परिसर में संपन्न हुए इस जन जागरूकता कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं केदार सिंह कौरव ADOP सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राहुल मालवीय, सीहोर। फीचर के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंस थे और जो रिकॉर्डिंग थी उनका समावेश किया गया ताकि न्याय से कोई बच ना सके, कोई अपनी न्याय को कोई चौंका ना सके, कोई कुछ चेंज नहीं कर सके। इसलिए वो प्रोविज़न लाया गया है, कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न इसमें लाया गया है ताकि रिस्टोरेटिव जस्टिस दिया जा सके। इसके साथ ही समयबद्ध किया गया है, न्यायपालिका को समयबद्ध करने का प्रयास किया गया है। अनंत काल तक कोई अन्वेषण कोई ट्रायल चलता ना रहे। हम लोग कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर देर से न्याय मिला तो वो ना मिलने के बराबर है। इस चीज़ को खत्म करने के लिए इसके प्रहार करते हुए सब चीज़ों की टाइमलाइन बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन की, चार्ज फ्रेमिंग की, ट्रायल की, जजमेंट। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिलने वाला है और इसके लिए हम सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह तैयार हैं। हम लोगों ने जिले के समस्त विवेचकों को, सारे पुलिस बल को दो दो बार हम लोगों ने पूरा प्रशिक्षण कराया है। सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, हमारे कंप्यूटर्स पूरी तरह अपडेटेड हैं और अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है सब कुछ रेडी हुई हुई है और जनता के बीच भी हम लोग जाके जागरूकता फैला रहे हैं कि जनता को भी अपने अधिकारों का नए कानून की जानकारी हो ताकि जो सरकार की मंशा है नए कानून के माध्यम से हम लोग जो पुराने जो समस्याएँ आ रही थी नया कानून खत्म करने के लिए वो किया गया है। और हम सभी आप मीडिया बंधु से भी हम ये अपील करते हैं कि अधिक लोगों तक जो नए परिवर्तन हुए हैं ये पहुँचाए थे।